हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परमजीत कुमार, आप देख रहे हैं टेक्निकल ए परमजीत। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊं दोस्तों फ़ोन पे दोस्तों एक बैड न्यूज़ दोस्तों आ चुका है। अगर आप दोस्तों फ़ोन पे एप्लीकेशन से दोस्तों अगर आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं या डीटीएच रिचार्ज कोई भी अगर आप रिचार्ज करते हैं, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मैं मोबाइल रिचार्ज के लिए दोस्तों मैं सेलेक्ट किया था दोस्तों आज मैं, तो देखा था दोस्तों 2 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज ले रहा था। तो मैं आपको फुल डिटेल साथ बता देना कि दोस्तों आपको ये क्या चीज़ का ये चार्ज ले रहा है, और दोस्तों वीडियो वाइज शुरू से लास्ट तक आपको पता लग जाएगा कि क्या चीज़ में आपको चार्ज ये लगने वाला है फ़ोन पे मोबाइल रिचार्ज या डीटीएच या क्या चीज़ में आपको ये चार्ज लगने वाला है। तो भाई वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो देखते हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलने वाला है। तो भाई आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक करना, पे अगर आप मेरे चैनल पर नए नए वीडियो देख रेड कर बटन को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन छोटा सा घंटी दबा दो और ऊपर क्लिक कर दो, जैसे कोई भी नए नए वीडियो आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन से वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको फोन पे एप्लीकेशन में आ जाना होगा। सबसे पहले फोन पे एप्लीकेशन में आ जाने बाद मैं दोस्तों को साइलेंट मोबाइल को कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको मोबाइल वाले रिचार्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों जो भी आपको यहाँ पे मोबाइल में जैसे मोबाइल में डालना होगा आप यहाँ पे दोस्तों डाल देना। तो माना कि एग्जांपल एक मैं कोई भी यहाँ पे नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं पहले से मैं दोस्तों यहाँ से है, और आप जिस टाइप से फोन पे से एप्लीकेशन से रिचार्ज करते दोस्तों उस टाइप से अपना मोबाइल नंबर वहाँ पे डाल देना, ठीक है। डालने के बाद आपको कौन सा सिम है वो भी डाल देना, कहाँ क्या है सिम वो भी डाल देना, ठीक है। तो एग्जाम्पल ये दोस्तों यहाँ पे मैं 199 का प्लान में सेलेक्ट कर रहा हूँ, और 199 का मैं प्लान जैसे मैं सेलेक्ट की यहाँ देखिए बता रहा है कि 199 का मैंने देखिए प्लान सेलेक्ट किया, उसका नंबर भी आ चुका है। आप यहाँ पे देखिए भाई इतना नंबर भी आ चुका है। उसके बाद देखिए 199 के एयरटेल के सिम है, एयरटेल का जो 1.5 GB पर डे मिलेगा 28 दिन तक, 199 का ये रिचार्ज प्लान है। और मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों यहाँ पे देखिए नीचे में एक दिखाई दे रहा है 201 रुपये। तो भाई आपको यहाँ पे व्यू अमाउंट पर क्लिक करना होगा, क्या चीज़ क्लिक करना होगा, यहाँ देखिए इसके नीचे वाले ऑप्शन में दोस्तों क्लिक करना होगा। दोस्तों आपको नीचे वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा, तो यहाँ पे एक फ़ोन आ चुका है, मैं फ़ोन को चलिए मैं हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आपको यहाँ पे देखिए व्यू अमाउंट ब्रेक ऑफ इसका ऑप्शन क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए क्या चीज़ का देखिए चार्ज ले रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप सुनते झूठ बोले से, तो आप देखिए 199 का देखिए रिचार्ज प्लान आ चुका है, उसका देखिए प्लेटफॉर्म फीस इंडसे GST। तो दोस्तों ये देखिए नया चार्ज आ चुका है कि अगर आप 199 का रिचार्ज करिए या 149 करिए या 299 या 399 कितना का भी रिचार्ज करिए, तो आपको ये 2 रुपये आपको चार्ज लेगा पर रिचार्ज में, समझ गए। तो दोस्तों इस टाइप से आपको ये रिचार्ज लेगा, यानी रिचार्ज अगर आप करेंगे फ़ोन पे एप्लीकेशन से तो दोस्तों आपको यहाँ पे 2 रुपये चार्ज लेगा ये लिए आराम से, तो समझ गए फंडा किस टाइप से। तो दोस्तों अगर आप फ़ोन पे एप्लीकेशन से अगर आप मोबाइल रिचार्ज करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे 2 रुपये चार्ज लेगा। आप जैसे पेटीएम हो गया या फ़ोनपे यानी गूगल पे सॉरी दोस्तों आपको फ़ोन पे तो नया चार्ज लगा ही दिया, उसका आपको गूगल पे से करते हैं, पेटीएम से करते हैं, अमेजोन से करते हैं, तो दोस्तों ये सब एप्लीकेशन आपसे चार्ज नहीं लेता है। लेकिन दोस्तों ये नया फोन पे तरफ से बैड न्यूज आ चुका है जो आपको 2 रुपये चार्ज लेगा रिचार्ज करते हैं, तो ये बैड न्यूज है। तो दोस्तों ये देखते हैं कि कब तक ये चलेगा, तो ये मेरे को लगता है कि ज़्यादा दिन तक ये चार्ज नहीं चलेगा, ये चार्ज को हटा दिया जाएगा, क्योंकि इससे एप्लीकेशन से बहुत सारा व्यूअर ने दुख भी हुआ कि रिचार्ज पर नाम भी ये लूट रहा है फ़ोन पे। तो मनी ट्रांसफ़र करो कोई दिक्कत नहीं इस एप्लीकेशन से, लेकिन रिचार्ज मत करो, 2 रुपये के नाम से भाई लूट रहा है एप्लीकेशन, तो मेरे हिसाब से भाई अभी मत करना, ठीक है, अभी 2 रुपये के नाम से लूट रहा है। और चलिए मैं DTH पे क्लिक करता हूँ, तो DTH में क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे DTH ले लेता हूँ, कोई से भी अपने यहाँ पे ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा DTH का जो भी होगा आप यहाँ पर डाल देना, डाल देंगे तो आपका देख लेना, आपने चेकआउट कर लेना कि इसमें भी चार्ज ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो दोस्तों मैंने आज मैं ट्राई किया था, देखा था दोस्तों 2 रुपये ये चार्ज ले रहा है, मैं सोचा कि एक अलग से वीडियो बना देता हूँ आपसे भी, आप भी जान पाएं कि 2 रुपये आपको एक्स्ट्रा चार्ज ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो ये छोटा सा आपको वीडियो था, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चल दोस्तों बाय बाय दोस्तों।